ईशान किशन ने सरेआम बीसीसीआई नियमों की उड़ाई धज्जियां। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ईशान किशन इस समय गलत वजहों से चर्चा में है। दाएं हाथ के इस बैटर ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारने का काम किया है। साउथ अफ्रीका दौरा बीच में छोड़कर स्वदेश लौटने के बाद ईशान ने टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ की बातों को अनुसुना किया। इसके बाद उन्होंने बीसीसीआई के निर्देश को भी गंभीरता से नहीं लिया और रणजी ट्रॉफी में खेलने को लेकर दूरी बनाए रखी, जिसके बाद भारतीय बोर्ड ने उनसे अपना सालाना अनुबंध छीन लिया। अब ईशान ने एक और बड़ी गलती कर दी है। इस गलती की वजह से ईशान फिर बीसीसीआई के निशाने पर होंगे। ईशान किशन इस समय मुंबई में डीवाई पाटिल टी20 कप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में उनकी वापसी कुछ खास नहीं रही। ईशान के बल्ले से शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट निकले, लेकिन वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके। ईशान जब बैटिंग के लिए उतरे तब सभी का ध्यान उनकी हेलमेट पर गया। ईशान से जो हेलमेट पहना था उस पर बीसीसीआई का लोगो लगा हुआ था। भारतीय विकेटकीपर से यहीं पर बड़ी गलती हो गई। दरअसल बीसीसीआई के नियम के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी घरेलू स्तर पर किसी भी तरह के क्रिकेट में खिलाड़ी बीसीसीआई का लोगो और टीम इंडिया की जर्सी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि कभी कोई खिलाड़ी ऐसा करता भी है तो वह लोगो पर टेप लगाकर उसे छुपाकर मैदान पर उतरता है, जो ईशान ने नहीं किया।